तो गाइज आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक पर कितने व्यूज पे कितने डॉलर मिलते हैं, फेसबुक पर कितने मिनट की वीडियो इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होती है, हमको फेसबुक पर कितने मिनट की वीडियोज डालनी चाहिए और फेसबुक पर कितने मिनट की वीडियोज डालने पर फेसबुक पर ज्यादा रिकमेंड होता है, फेसबुक पर ज्यादा वायरल होता है। और इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपके बहुत सारे डाउट्स है जो कि आज का इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार फेसबुक हमको कितने व्यूज पे कितने डॉलर देता है और कौन सा वीडियोस पे ज्यादा पैसा बनता है और कौन सा वीडियोस पे कम पैसा बनता है और कौन सा वीडियो ऐसा होता है जिसपे आरपीएम हाई रहता है। तो चलिए बिल्कुल आपको डिटेल में समझाने के लिए यहां से मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मैं सीधे चले जाता हूं अपने मोबाइल के क्रिएटर स्टूडियो में। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद यहां से मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा 7 दिन का अर्निंग केवल और केवल $60 बना है, क्योंकि मैं अपने फेसबुक पेज पे बहुत कम एक्टिव रहता हूं। ठीक है, तो ये वहीं से मैं जाता हूं, क्या करता हूं कि यहां से मैं अपने अर्निंग्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूं। अर्निंग्स वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहां से आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे 2 लाख व्यूज पे $29 दिया है और यहां पे आरपीएम दिखा रहा है 0.40। 0.40 का मतलब है कि यहां पे फेसबुक जो है मेरा कंटेंट है इस पर फेसबुक जो है 7000 व्यूज पे, ठीक है, 7000 व्यूज पे $1 बन रहा है, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में बन रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। थोड़ा सा पीछे ले जाने के बाद यहां से मैं क्या करता हूं कि यहां से अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक और यहां से देख सकते हैं कि मेरे 2.6 मिलियन व्यूज पे जो है मेरा $283 बना था, 2.6 मिलियन व्यूज पे मेरा $283 बना था और यहां पे आरपीएम मेरा बन रहा था 0.10, मतलब मेरे 10,000 व्यूज पे $1 फेसबुक दे रहा था। वही मैं एक काम करता हूं, इसको और थोड़ा सा बैक ले जाता हूं, थोड़ा सा और बैक ले जाता हूं और पिछले 2022 में आपको ले चले जाता हूं। और यहां से ले जाने के बाद क्या करता हूं, मैं यहां से अपडेट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूं तो यहां से देख सकते हैं कि मेरे 5.9 मतलब 6 मिलियन व्यूज पे देख सकते हैं कि मेरे $1,350 बने थे, $1,350। और यहां से देख सकते हैं कि यहां पे आरपीएम बन रहा था 0.22, ठीक है, मतलब 0.22, मतलब यहां पे आप सिंपल जान सकते हो कि भैया मेरे 5000 के अप्रोक्स व्यूज पे $1 बन रहे थे, ठीक है। और यह वहीं से मैं यहां पे क्या करता हूं कि अपने कोई भी वीडियोस का मैं यहां से आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। देख सकते हैं कि एक वीडियो है जिस पर केवल और केवल 17000 व्यूज है और इस पर कितना डॉलर बना है, $3.11 बना है। मैं आपको एक और वीडियो अपना दिखा देना चाहता हूं जहां पे है कि यहां पे देख सकते हैं कि 34000 व्यूज पे $7 बने हैं, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो भैया फेसबुक पर कितने व्यूज पे कितने डॉलर बनते हैं। मैं अगर अप्रोक्स में बता दूं तो फेसबुक पे 7 से 8 हजार व्यूज पे $1 बनते हैं, ठीक है। लेकिन भैया 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 यहां पर रुक जाओ, अगर आप ये सोच रहे हो कि 7000 व्यूज पे $1 बनते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। भैया सब चीज का कैटेगरी अलग अलग होता है। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, लाइव आ रहे हो, तो उसका आरपीएम बिल्कुल लो रहता है, ठीक है। अगर आप गेमिंग की वीडियोस बना रहे हो तो उस पे 10 से 12 हजार व्यूज पे आपको $1 मिलता है। अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी के वीडियोस बना रहे हो उस पे 5 से 6 हजार व्यूज पे आपको $1 मिलता है, ठीक है। अगर आपका वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड है तो भैया आपको 4 से 5 हजार व्यूज पर भी आपको $1 देखने को मिल सकता है। तो देखिए भैया आपको यहां पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए जिस प्रकार आपके वीडियो पे जितने महंगे महंगे ऐड चलेंगे उसी प्रकार से आपका आरपीएम बढ़ेगा, उसी प्रकार से आपका सीपीएम बढ़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा कंफ्यूजन के बारे में। दूसरा कंफ्यूजन आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या भैया हम फेसबुक पर 3 मिनट से की ऊपर की वीडियो डालेंगे तभी मेरे फेसबुक पर इन स्ट्रीम एड से वो वीडियो मोनेटाइज होगा, अगर हम 3 मिनट से नीचे की वीडियो डालेंगे तो क्या उस पर इन स्ट्रीम एड नहीं चलेंगे, वो मेरा वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। और इस पर एक मनोज दे ने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि भैया अगर आप फेसबुक पर 3 मिनट से की ऊपर की वीडियो डालोगे तभी उस पर इन स्ट्रीम एड से एड चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। आप ये वाला वीडियो, और एक चीज है ना कि 3 मिनट का अगर आप फेसबुक पे वीडियो डालते हो, लेंथ कितना हो चाहिए 3 मिनट मिनिमम, तो आपका इन स्ट्रीम एड चलना शुरू हो जाता है। 3 मिनट का मिनिमम आपका लेंथ वीडियो का होना चाहिए तो ही आपका इन स्ट्रीम एड चलना शुरू होता है। तो 3 मिनट क्या करना है कि आपको, तो भैया मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप फेसबुक पर 3 मिनट से ऊपर की वीडियो डालो या 3 मिनट से नीचे की वीडियो डालो सभी वीडियो आपके फेसबुक के इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होंगे। आपने उस वीडियो को वीडियो के सेक्शन में पोस्ट किया होगा तो अगर आप उस वीडियो को रील्स में पोस्ट कर रहे हो तो भैया वो आपका इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज नहीं होंगे। रील्स जो होता है आपको इन स्ट्रीम एड से वो मोनेटाइज नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने वीडियोज को 1 मिनट से ऊपर की वीडियोज को आप वीडियोज के सेक्शन में पोस्ट कर रहे हो तो
भैया वो वीडियो आपका इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होगा और वो वीडियो पे एड चलेंगे। वहां फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि विनय भारती के पेज पे एक वीडियो पोस्ट है जो कि केवल और केवल वीडियो है 1 मिनट 29 सेकंड के। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो के अगर आप लास्ट में जाओगे तो देखिए यहां पे इन स्ट्रीम एड से इस पे दो दो एड चल रहे हैं भैया। 1 मिनट 29 सेकंड की वीडियो पे दो दो एड चल रहे हैं, मतलब कि फेसबुक पर अगर आप 3 मिनट से कम की भी वीडियो डालते हो तब उस पर भी इन स्ट्रीम एड से एड चलेंगे और वो वीडियो भी मोनेटाइज होगा। तो बात कर लेते हैं तीसरा कंफ्यूजन के बारे में। तीसरा कंफ्यूजन, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, बोलते हैं क्या भैया हम फेसबुक पर अगर रील्स अपलोड कर रहे हैं या फिर अगर हम फेसबुक पर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं तो क्या हम 3 मिनट से ऊपर की वीडियोज अपलोड करेंगे तभी उसका वॉच टाइम काउंट होगा क्या? अन्यथा अगर हम 3 मिनट से नीचे की वीडियो डाल रहे हैं, हम छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं तो क्या ये मेरा इन स्ट्रीम ऐड के लिए वॉच टाइम काउंट नहीं होगा क्या? तो भैया ऐसा अगर आपको कोई बोलता है तो वो आपको बिल्कुल पागल बना रहा है। अगर आप फेसबुक पर 1 मिनट से ऊपर की वीडियो डालते हो, चाहे 2 मिनट की डालते हो, चाहे 3 मिनट की डालते हो, चाहे 30 मिनट की ही वीडियो क्यों ना डालो, आपका सभी का सभी वीडियोज का वॉच टाइम काउंट होगा इन स्ट्रीम ऐड मोनेटाइजेशन के लिए। तो भैया ऐसा फेसबुक पर कहीं नहीं लिखा है कि फेसबुक पर अगर आप 3 मिनट से ऊपर की वीडियो डालोगे तभी आपका वॉच टाइम काउंट होगा, अगर आप रील्स डालोगे तो आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अगर भैया रील्स वीडियो है, अगर वो रील्स वाले फॉर्मेट में चल रहा है तो उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका रील्स वीडियो पोस्ट के फॉर्मेट में चल रहा है, वीडियोस के फॉर्मेट में चल रहा है तो भैया उसका भी वॉच टाइम काउंट होगा और उससे भी आपका फेसबुक पेज इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होगा। तो भैया अभी भी मौका है फेसबुक पर काम करने के लिए, अभी भी आप फेसबुक पर काम कर सकते हो। अब आप लोग को चौथा कंफ्यूजन रहता है कि भैया हम क्या फेसबुक पर कितने मिनट की वीडियो डालेंगे तो फेसबुक पर ज्यादा रिकमेंड होगा। तो देखिए भैया आपका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अगर 1 मिनट की वीडियोस डाल दोगे तो आपका फेसबुक पर ज्यादा रिकमेंड होने लगेगा, लेकिन अगर सजेशन की बात करो तो मैं आपको यहां पर सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आपका फेसबुक पेज नया नया है तो 3 से लेकर 8 मिनट की वीडियोस डालो, क्योंकि 3 से लेकर 8 मिनट की वीडियोस पर लोग ज्यादा वॉच टाइम देते हैं और उससे क्या होता है कि आपका वीडियो ज्यादा रिकमेंड होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप फेसबुक पर जितना छोटा टाइटल लिखोगे ना उतना ज्यादा वीडियो आपका रिकमेंड में जाएगा फेसबुक पर। तो भैया वीडियो छोटा बनाओ, वीडियो का हाइलाइट्स पार्ट आगे में लगाओ। अगर आपका नया नया है, अगर आप एक बार फेमस हो जाओगे राउंड टू हेल की तरह, तो भैया अगर आप 50 मिनट की भी वीडियो डालोगे ना तो लोग आपकी वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे, लेकिन अभी अभी आपने नया नया शुरुआत किया तो आप कम समय में ज्यादा मजा का जमाना है, ठीक है, रील्स का जमाना है, ठीक है। तो आप छोटा वीडियो बनाओ और ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें शुरू से लेकर अंत तक एंटरटेनमेंट हो। इनफैक्ट शुरू में ज्यादा एंटरटेनमेंट डालो और लास्ट में थोड़ा बोर कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने ऑडियंस को रोकना पड़ेगा जिससे फेसबुक आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजे। अगर आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।